नमस्कार। मूंग से बने हुए बहुत सारे चीज़ें खाई होंगी आपने, लेकिन मूंग के बने हुए मीठे वाले पकोड़े एक बार ज़रूर बनाकर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोना ले लिया है। इसमें 250 ग्राम मूंग को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए डाल दे रही हूँ। उसमें जितना भीग जाए उतना पानी डाल लें। देखिए 4 से 5 घंटा हो गया है। मूंग के दाल को मैंने पानी से निकाल करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसके लिए मैंने साबुत मूंग नहीं लिया था, जो फली वाला मूंग होता है ना उसको लिया था। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। पेस्ट का कंटिनेंसी देखिए, स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है। इसमें थोड़ा सा मूंग के दाने रहने चाहिए, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे अब निकाल लेते हैं पेस्ट को। एक बड़ा सा थाली या फिर किसी भी बड़ा सा चीज़ में जिसमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए बन जाए। तो देखिए मैंने इसे एक कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं। इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करेंगे। जितना ज़्यादा अधिक समय तक हम मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा है। इसका जो पकौड़ा है वो हो चाशनी ऑब्जर्व करेगा। तो देखिए यह मिक्स करते हुए बहुत स्मूथ हो चुका है। तो चलिए इसे अब एक प्लेट या थाली में निकाल करके रख देते हैं। देखिए मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है और इसे फैला देते हैं। अब इसके बाद इसे छूना नहीं है, नहीं तो इसका जो पेस्ट का कंटिनेंसी है वो ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक भिगोना लिया है, उसमें 2 कप पानी डालेंगे। ml के हिसाब से पानी को नापे तो यह 500 ml पानी है, जिसको मैंने इसमें डाल लिया है। अब पानी को हम थोड़ा सा उबालने देंगे। जब हमारे पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1.5 कप शुगर। अब इसको पानी में मिलाते हुए हम चलाएंगे और उबालेंगे। चाशनी को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि यह दोनों हाथों के बीचों में छू कर देखेंगे तो यह चिपचिप करने लग जाए। तब तक हम इसे उबालना है। देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं तो यह थोड़ा सा चिपचिप करने लग गया है। तो अब हम इसे इसी कंडीशन में बंद कर देंगे। तो लीजिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब इसमें तेल डालेंगे, डीप फ्राई करने के लिए तेल डालना है। तो मैंने इसमें इतना तेल डाल लिया है। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब ये अब तेल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने मिश्रण को लाते हैं। देखिए हमारे मिश्रण का कंटिनेंसी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के लिए डाल लेते हैं फटाफट से सभी को। देखिए मैं इसे इसी प्रकार से डाल रही हूँ। आप भी डाल लीजिए इसी प्रकार से, अच्छे से फ्राई हो जाएगा यह। तो मैं इसमें इतना ही पकौड़े डालूँगी जितना कि यह अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब हम इसे करछी की सहायता से चलाएंगे और उलट पलट के पकाएंगे। तो देखिए यह कुछ समय हो चुका है पकते हुए। देखिए यह 4 से 5 मिनट हो चुका है पकते हुए और मैंने उसे उलट पलट कर पका लिया है। अभी इसे हम स्ट्रेटनर की सहायता से बाहर निकाल लेंगे और इसे तुरंत ही चाशनी में डुबो देंगे, जिससे कि यह चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व करे। इसी प्रकार से हम सभी को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और चाशनी में डुबो देंगे, जिससे कि यह 5 से 6 मिनट तक चाशनी को ऑब्जर्व कर ले और तैयार हो जाए। तो देखिए यह तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने एक प्लेट लिया है, उसमें 1 ठो निकाल ली हूँ। उसको चम्मच की सहायता से दबा करके देखेंगे तो यह देखिए कितने अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है। और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको व्रत या फास्ट में भी खा सकते हैं। तो एक बार इसे घर में ज़रूर बना करके देखें।